अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के गुजरात प्रदेश के द्वारा विश्वकर्मा पूजा अवकाश घोषित का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। जहां खबर राजस्थान से, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा पूरे देश और अन्य राज्य में ज्ञापन देने के क्रम में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भरत भाई सतवारा कड़िया के नेतृत्व में राष्ट्रीय महासचिव कालू राम लोहार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य धनजी भाई पांचाल एवं प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि विश्वकर्मा समाज के लगभग 15 करोड़ लोगों सहित तकनीकी काम में लगे बुनकरों, शिल्पकारों, कलाकारों, कारीगरों, दस्तकारों, तकनीशियन, मैकेनिकल इंजीनियर, वैज्ञानिक, राजमिस्त्री, स्कूल, कारखानों, फैक्ट्रियों में, जिसमें हर जाति धर्म के लोग हैं, लगभग 40 करोड़ लोग 17 सितंबर को अपने यंत्रों की पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ, महाप्रसादी और शोभा यात्रा निकालते हैं। इसलिए विश्वकर्मा पूजा दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। ज्ञापन अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा और प्राइड ऑफ विश्वकर्मा संस्था द्वारा जिला अधिकारी अहमदाबाद को सौंपा। बाद में राष्ट्रीय महासचिव कालू रामजी लोहार ने संबोधन किया। ज्ञापन देने वालों में गोविंद भाई पांचाल, भोगीलाल पांचाल, महेश भाई पांचाल, पुरुषोत्तम मदा पांचाल, अंकित भाई पांचाल प्रमुख रहे। खबर भारतवर्ष के लिए राजस्थान से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।